अगर गणपति की आरती अगर रॉक तरीके से गाई जाए तो उसका क्या अलग फील आ सकता है। सबसे पहला सवाल जो हम आपसे पूछ रहे थे रितेश जी, ये रोल आपने क्यों चूज किया? नहीं, आई थिंक हम लोग एज एक्टर्स सबसे पहले रोल चूज नहीं करते, फिल्में चूज करते हैं, क्योंकि आपको स्टोरी शायद बहुत पसंद आए तो लगता है कि ये फिल्म बननी चाहिए, और इसमें अगर आपका किरदार अच्छा हो तो आपको लगता है कि उसमें काम करना चाहिए। बैंजो का कुछ ऐसे हुआ, जब मुझे कहानी सुनाई गई थी, रवि जी और मेरी दोस्ती काफ़ी पुरानी है, इनफैक्ट मैंने प्रोडक्शन जब शुरुआत उसकी की थी तब उसके डायरेक्टर, उस फिल्म के डायरेक्टर रवि थे, को प्रोड्यूसर भी थे, बालक पालक हम लोगों ने इकट्ठा प्रोड्यूस और रवि जी ने डायरेक्ट की थी, तो इस दोस्ती का सिलसिला तब से शुरू हुआ था। उसके बाद हम लोगों ने बहुत सोचा कि एक साथ काम करना चाहिए, दो तीन स्क्रिप्ट्स हम लोगों ने सोची थी, पर सबसे पहली स्क्रिप्ट थी बैंजो, एंड आई एम ग्लैड के उसके 3-4 साल बाद यू नो एक्टर डायरेक्टर इकट्ठा आते हैं, बट एक अच्छे प्रोड्यूसर का होना बहुत ज़रूरी होता है, एंड आई एम ग्लैड दैट मुझे फिर पता चला कि रवि जी और कृषिका जी इकट्ठा आकर ये फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं, एंड देन दे कॉन्टैक्टेड मी फॉर द फिल्म, सो आई वॉज ग्लैड दैट आफ्टर सो मेनी ईयर्स बोथ ऑफ देम थॉट ऑफ मी, एंड आई एम हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दिस फिल्म। कृषिका जी, जो भी फिल्में आपकी रही हैं उसमें म्यूजिक जो है वो हमेशा बहुत ही बेहतरीन रहा है। तनुवेज मनु का नाम लिया था मैंने, देसी बॉयज का लिया था, अभी आपकी एक और फिल्म हैप्पी भाग जाएगी, गाने भी बहुत ज़्यादा हिट हो रहे हैं, एंड नाउ बैंजो का आज पहला गाना जो आप लॉन्च कर रहे हैं, व्हाट डू यू लाइक ट्राई एंड हियर इन अ सॉन्ग के यस ये गाना जो है इट विल वर्क फॉर द फिल्म? व्हेन यू स्टार्ट एंजॉयिंग एंड स्पेशली द लिरिक्स आल्सो गोज हैंड इन हैंड एंड you start tapping your feet, I mean you just start enjoying basically any music you hear, any tune, it has to hit the pulse, so that's how you start enjoying any music we hear till now, I'm sure. And banjo itself, when you think of banjo and you can think of Ganpati songs, they go very hand in hand, you know, the song, the name, it goes with banjo means Ganpati, right. Or it's you can hear it in Navratra, so it's about it's about the music of a banjo music. It's a musical film, and banjo player. It's about the banjo players who deal with the people in this today's world. So I would say that Ganpati song has to be released, and unfortunately we are coming before after Ganpati, so the song is very important at that day, and that's why we're here to launch the song. Right, sir, Vishal Shekhar were always your choice to compose the songs for this film? Yeah, absolutely, because they are my hum dono bahut purane dost hain, hum काफ़ी हम तीनों एक्चुअली काफ़ी दिनों से हम एक दूसरे को जानते हैं, और मुझे ऐसा लग रहा था कि जो स्ट्रीट म्यूजिक है इंडिया का, उसका अगर फ्यूजन हो गया और तो इंटरनेशनली वो ज़्यादा सुना जाएगा, और आई एम श्योर कि विशाल शेखर जिस तरीके से जो यहाँ का म्यूज़िक है, अपनी मिट्टी का जो एक म्यूज़िक है, उसको जहाँ जिस तरीके से वो एक वेस्टर्न बीच में डालते हैं, गणपति में जो उन्होंने जो यूज़ किया है सब जो ट्रेडिशनल म्यूज़िक है, उसके साथ उन्हें जो इंटरनेशनल डिफरेंट वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया, उसका जो फ्यूजन है, आई थिंक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट्स वेरी कलरफुल एंड इट्स सेलिब्रेशन है बेसिकली, एंड फॉर मी ऑल्सो इट्स सेलिब्रेशन बिकॉज पहली हिंदी फिल्म है, पहले हिंदी फिल्म का पहला गाना है, और पहला गाना वो भी गणपति बाप्पा पे, आई थिंक आई एम ब्लेस्ड। बहुत सारे सवाल आपके भी होंगे, सो रितेश, पहला सवाल ये है कि कुछ साल पहले ऋतिक रोशन की अग्निपथ आई थी, उसमें जो गाना था देवर श्री गणेश, बहुत पॉपुलर हुआ था, सचिन जिगर का म्यूजिक था, फिर अभी बाजीराव मस्तानी में गजानन सॉन्ग बहुत पॉपुलर, और इस साल आप लेकर आए हैं बाबा सॉन्ग, इस गाने की खासियत क्या है और आपको क्या लगता है कितना नहीं? सबसे पहली बात यह है कि जब बैंजो की स्क्रिप्ट मुझे सुनाई गई थी, आई फेल इन लव विद द फिल्म एंड द कैरेक्टर, पर क्या है कि जब नरेट किया गया था तब म्यूज़िक नहीं था, हमें पता था कि ये 5 गाने आएंगे, और अगर पूरी फिल्म पूरी फिल्म का नाम ही बैंजो है, एक इंस्ट्रूमेंट है, और अगर म्यूज़िक अच्छा ना हो देन द फिल्म फेल्स, और मुझे लगता है कि इस फिल्म के असली हीरो, मैं हमेशा कहता हूँ, विशाल और शेखर है जो उन्होंने इतना अच्छा म्यूज़िक दिया है, इस फिल्म की असली बैकबोन वो है, एंड आई थिंक रवि हैज़ ऑलवेज गिवन ग्रेट म्यूज़िक,
उनकी कोई भी मराठी फिल्म आप ले लीजिए, हमेशा ब्लॉकबस्टर म्यूजिक रहा है उनका. दैट्स बिकॉज ही इनहेरेंटली हैज़ अ ग्रेट ईयर. उनको म्यूजिक की समझ उनकी बहुत अच्छी है और मुझे लगता है उसी के वजह से ये जो कॉम्बिनेशन है रवि यादव, विशाल और शेखर का, इट्स एन अमेजिंग कॉम्बिनेशन. जहाँ आपका सवाल था कि अग्निपथ का एक गाना था, फिर बाजीराव मस्तानी में दूसरा गाना था, ये तीसरा गाना है उस सीरियल में. बट यू नो आई जस्ट फील दैट ये गाना अलग इसलिए है क्योंकि जैसे रवि जी ने भी कहा कि इंडियन सॉन्ग है. गणपति इज एन इंडियन गॉड और उसका पूरा जो साउंड है, बम्बई साउंड है, मुंबई का साउंड है, दिस इज़ वेरी स्ट्रीट इंडियननेस बहुत उसमें ज़्यादा है. बट ही ऑलवेज वॉन्टेड टू मेक अ फ्यूजन कि अगर बेस गिटार यूज़ किया जाए उसको किस तरह थोड़ा वेस्टर्न बनाया जा सकता है, अगर गणपति की आरती अगर रॉक तरीके से गाई जाए तो उसका क्या अलग फील आ सकता है. एंड दैट्स वॉट दे हैव ट्राइड टू अचीव. वी कैन जस्ट होप एंड प्रे दैट कि लोगों को ये गाना पसंद आए. जितने लोगों ने गाना देखा है, सुना है और ट्विटर पे जो रिएक्शन आ रहे हैं उससे तो ऐसा लग रहा है कि उनको पसंद आ रहा है. बट इट्स टू अर्ली एंड आई जस्ट होप एंड प्रे दैट इट डज इक्वली वेल. रितेश, आज रक्षाबंधन है, आप इस दिन को किस तरह से सेलिब्रेट करते हो क्योंकि आज प्रमोट करने में पूरा दिन जाने वाला है आपका जी, तो मिस कर रहे हो इस दिन को, मतलब किस तरह से सेलिब्रेट करने वाले? नहीं, आई थिंक माय सिस्टर, कजन सिस्टर, नॉट कजन, आई कॉल हर माय सिस्टर, उन्हें राखी भेजी है और घर में जितने भी बच्चे हैं, कजन्स हैं, वो सब आरती, छोटी सी सेरेमनी होती है. सो आई थिंक घर बहुत ही माहौल होता है एंड वी सेलिब्रेट इट लाइक एवरी अदर होम. स्ट्रैटेजी ये जगह नरगिस के लिए रखी है हमने. वो मुझे लगता है हर एक्टर्स के डेट्स होते हैं अलॉटेड एंड शी विल जॉइन अस सून. अनफॉर्चुनेटली शी इज नॉट हियर फॉर द सॉन्ग बट वो ट्वीट करी है, उनकी प्रायर कमिटमेंट्स थी और ये अचानक ये प्रोग्राम बन चुका है. वॉज क्लोज बाय सो आई कुड कम एंड मैनेज दिस. तो मुझे लगता है ये पूरी टीम इकट्ठा प्रमोट करेगी. बैंजो इज कंप्लीट विथ रवि सर, कृषिका जी, नरगिस, विशाल, शेखर, माई सेल्फ एंड एवरी वन. सो इट्स कोई एक लीड नहीं करता, एज अ टीम वी गो टुगेदर. रितेश, ऑफकोर्स यू प्लेइंग अ बैंजो प्लेयर इन दिस, वाज देयर सम इंटरेक्शन विद द रियल लाइफ स्ट्रीट म्यूजिशियन? यस यस, ऑफ गेट इनटू द कैरेक्टर. नो नो, ऑफकोर्स आई आल्सो फॉर द फैक्ट दैट नाउ यू प्लेड दिस कैरेक्टर, इज देयर सम सॉर्ट ऑफ कीन इंटरेस्ट इन देयर म्यूजिक और व्हेन दे पास बाय थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ मुंबई? Does it kind of get your attention? No, I'll answer the second part. I think it's not now. I think banjo music and banjo parties, whenever they pass next to your car or next to your house or next to your street, it always catches your attention. क्योंकि उनकी खासियत यही है कि वो इतना mass music है, उतने उनके beats इतने strong होते हैं कि वो आपका attention अपनी ओर खींच ही लेते हैं. उनकी वही खासियत है. तो इस फिल्म के वजह से मेरा अटेंशन उनके पास जाएगा ऐसा नहीं है, बल्कि उनकी वजह से इस फिल्म की ओर हम सब का अटेंशन गया. हम लोगों ने ये सोचा कि इस पर एक फिल्म बनानी चाहिए और ये फिल्म बन रही है. आई थिंक आई हैव आंसर व्हाट द फर्स्ट. यस, एंड आई थिंक जब मैंने पहली बार जब हम लोगों ने फाइनल ड्राफ्ट सुना है इस फिल्म का 6-7 ड्राफ्ट के बाद और हम लोग ओके लेट्स गो, तो रवि जी गिफ्टेड मी अ बैंजो. ही सेड कि दिस इज़ फॉर यू एंड नाउ लेट्स स्टार्ट. सो वो बैंजो मैंने रखा और आई थिंक दैट विल बी लाइक माय प्राइस पोजेशन दैट माय डायरेक्टर गिफ्टेड मी अ बैंजो. देन वी जस्ट फ्रोज द स्क्रिप्ट.